वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 11 फॉर क्लास 9th, ओके, जो कि शेड्यूल की गई है आपकी 29 जुलाई 2020 के लिए। एंड जो ये वर्कशीट है, ये आपके चैप्टर 3rd, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है। इसमें हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो ज्ञान, हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स? स्टूडेंट्स, यू नो दैट कंपाउंड्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैन दे बी फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग द एलिमेंट्स टुगेदर? नो, कंपाउंड्स दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग। इन कंपाउंड्स देयर विल बी अ डेफिनेट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जिज्ञासा दीदी, नो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच में, तब वो कंपाउंड्स बनते हैं। दीज रिएक्शंस आर गवर्न बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एंड दैट प्रिंसिपल्स आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेयर वी विल लर्न अबाउट द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, उसके अंदर जितने भी आपके जो भी अमाउंट मास का आपका रिएक्टेंट्स का है, वही आपका किसका रहेगा, वही आपका प्रोडक्ट्स का रहेगा। ठीक है, सो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी एक केमिकल रिएक्शन हुई, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी। ए इज 4 ग्राम, बी इज 10 ग्राम, सी 2.5 ग्राम, एंड डी इज 11.5 ग्राम। सो यहाँ पर रिएक्टेंट का मास कितना है, सो 4 + 10, देयर विल बी द टोटल 14 ग्राम। ओके, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट का मास है, दैट इज सी प्लस डी, दैट इज 2.5 + 11.5, दैट ऑल्सो 14 ग्राम। सो इन द केमिकल रिएक्शन, अ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दिस यू कैन से दिस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So the elements which form a compound always react in the same proportion of their mass irrespective of its origin or method of formation. ये किस बारे में है, ये है law of constant proportion. Law of constant proportion क्या कहता है students? In a chemical substance compound, the element are always present in definite proportion by mass. ठीक है, यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमने लास्ट वर्कशीट में भी एग्जांपल लिया था, लाइक वाटर है। सो यहाँ पर देखिए, जो वाटर का फॉर्मूला होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों कि वाटर जो है एक जगह के जो वाटर है उसका फॉर्मूला H2O है और दूसरी जगह पे उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ से जो भी यहाँ पर एलिमेंट है, इसका अगर आप रेशो देखो, तो देखिए हाइड्रोजन का मास जो होता है, एटॉमिक मास, वो कितना होता है, 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो टोटल कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है, सो रेशियो क्या आ गई, 1:8। यानी जो वाटर है वो हमेशा 1:8 की रेशियो में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ से आप कह सकते हो दैट द एलिमेंट विच फॉर्म अ कंपाउंड ऑलवेज विल रिएक्ट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेज इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑरिजन मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, किसी भी तरीके से फॉर्म की जाए, चाहे कोई भी उसके लिए तरीका हो, बट फॉर्मूला हमेशा CO2 ही रहेगा। नाउ ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट एवरीवेयर। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट इन द कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन
ऑफ देयर मास इन द रेशियो ऑफ 1:8, यानी वाटर के अंदर रेशियो हमने अभी निकाली कितनी है 1:8। नाउ लाइक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम क्या है हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। सो ऑलवेज 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर। सो टोटल वाटर कितना होगा 9 ग्राम। एंड 2 ग्राम अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 ग्राम लोगे तो ऑक्सीजन को कितना लोगे ऑक्सीजन 16 लोगे, ठीक है। और प्रोड्यूस कितना होगा प्रोड्यूस होगा यहाँ पर 18 ग्राम वाटर। सो सिमिलरली द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो देखोगे तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास दैट विल बी द 12 एंड ऑक्सीजन 16। दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। सो यहाँ पर रेशियो जो आएगा 4:3:8 का जो है यहाँ पर रेशियो है। सो 3:8 के रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एग्जिस्ट करती है। नाउ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया दैट इज 14:3। अगर आप अमोनिया का भी एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अमोनिया किस में, अमोनिया का एटॉमिक मास कितना होगा 14 और हाइड्रोजन 3 है तो 14:3। सो ये जो है इसका एटॉमिक मास का जो है क्या होगा रेशियो होगा जिसमें अमोनिया कंपाउंड बनता है। नाउ चेक योरसेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो टू लॉज क्या है, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो आप टू लॉज जो है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। कैन देयर बी अ वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन इन टू सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लेन। सो कोई वेरिएशन नहीं होगी केमिकल कंपोजिशन में अगर आपने एक वाटर को जो है मान लीजिए पॉन्ड से लिया है, सेकंड वाटर आपने यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लिया है, ठीक है। तो दोनों का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी H2O, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट, इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। मीन्स कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, कार्बन बर्न इन द ऑक्सीजन, ओके, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 ग्राम कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नाउ हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 12 ग्राम कार्बन, ओके, 12 ग्राम कार्बन बर्न इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया तरीका कोई भी हो केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने का, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, ओके। और ये जो क्वेश्चन है इट फॉलो द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन दैट ऑल द एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म द कंपाउंड। सो डेफिनेट प्रोपोर्शन का यहाँ पर जो लॉ है वो गवर्न होता है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पर 3+8 कितना है 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 44 ग्राम, ओके, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच एलिमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन केस ऑफ अमोनिया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया, NH3। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।